गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिप्सी व्लॉगर में आपका स्वागत है। देखिए ओके कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बनाती नहीं हूँ ना, आपका दिप्सी बनाता है, तो आज जरा मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग निकल चुके हैं, सुबह के करीब 8:12 हो रहे हैं और हम ऑलरेडी लेट है और जिनके साथ हमें जाना है वो ISBT पे खड़े हुए हैं और आधे घंटे से। और जब उनका कॉल आया कि कहाँ हो, तो हमने बोला हम घर से निकल चुके हैं, उसके हम आधे घंटे बाद निकले, और जबकि हमारे घर से ISBT 5 मिनट दूर भी नहीं है कि, है ना। इट्स हैपन सम टाइम जब लेट हो जाती है और कॉल आती है, अभी कहाँ हो, तो हम कहते हैं बस यही पहुंच गए वाला हाल है। 2 मिनट तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये हम ट्रिप पे जा रहे हैं, बट हम ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं ये हम अभी रिवील नहीं करेंगे, ये आपको पता चलेगा और आप पूरे सफर का मजा लीजिए। मिलते हैं। गाइस अपन हाईवे पे तो निकल गए हैं, पर मेरी गाड़ी को ना भयंकर से नशे हो रहे हैं। मैं दिखाऊं एवरेज कितनी देरी है, 35.3 का एवरेज निकाल रखा है इससे, जिसकी कंपनी के लिए भी 16 है। ट्रक देखो, ट्रक कम बार ट्रांसफर ज्यादा लग रहा है उसके पूरे में वो लगे हुए झुनझुने से। तो गाइस हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से अगर हम ऐसे ही चले तो हम 12 बजे तक लग जाएंगे। ये पहुंच चुके हैं हरिद्वार और ये हमारा नेशनल फ्लैग, ये रहे भोलेनाथ, भोले जी, मतलब दोनों आमने सामने, ये भी भगवान और यहाँ हमारे देश के अनवंचार। गाइस तो फाइनली कैमरा मेरे हाथ में आया बहुत देर के बाद, इतनी देर से आज मैंने असिस्टेंट बना रखा मम्मी को। तो हम लोग अभी पहुंच गए थे यहाँ चिड़ियापुर की साइड पे, और अपने 1.5-2 घंटे की, ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव होने वाली है। मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी में कौन सा धतूरा फूक रखा है या क्या कर रखा है इसने, पर भाई ये एवरेज दे रही है अभी जो दे रही 43.3 का, तो मेरी नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो मेरे को लग रहा है कोई मीटर का डिफेक्ट होगा, बट मतलब पूरा फुल टैंक करवाने के बाद भी उसमें से एक डंडा जो है नीचे आ जाना चाहिए था अभी तक, बट वो भी नहीं आया। तो आई जस्ट डोंट नो कि क्या सीन चल रहा है, मतलब एवरेज भी दे रही है वो जितना दिखा रहा है उस हिसाब से, जो भी है वट एवर इट इज़, हमारे लिए तो अच्छा है जितना अच्छा एवरेज दे उतना अच्छा ज़्यादा, पर इतनी बढ़िया भी क्या। बट चलो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, जस्ट पहुँचे हैं अपना यहाँ पे चिड़ियापुर पे, और बाकी लोग खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा रहा हूँ अभी, मेरे को भूख नहीं है। तो मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठूंगा, अपने कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग करके उसे अपलोड पे लगा देता हूँ, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं वो सब नहीं बताऊँगा, देखते जाओ समझते जाओ, कल वाले ब्लॉग जो कल वाला ब्लॉग होगा उसमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ गए थे। आज बस जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। हिंट मैं दे देता हूँ, 2022 में हम लोग वहाँ पे 2 बार जा चुके हैं, एक बार फैमिली के साथ, एक बार फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में, एक बार एंडिंग में। अब जो फॉलो कर रहा हूँ उसे पता होगा। हाँ तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आलू प्याज के पराठे, इट वाज वेरी टेस्टी, और हम लोग निकल चुके हैं और सॉन्ग की फरमाइश है श्रीवल्ली। गाइस नशे देखो, नशे 42 की एवरेज, ब्रो 52 की एवरेज देने लगी है मेरी गाड़ी अब, 52 हाइब्रिड भी इसमें पार कर दी, CNG भी पार कर दी। ये देखो, लेकिन एक बात है कि हमें कंटेंट मिले हैं, क्योंकि बहुत देर से हम लोग ऐसी व्लॉग के लिए क्या कुछ करना पड़ता है तो भैया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रखा है, कैसे ट्रक वाले ने देखो जरा क्या लगा रखा है बीच में ट्रक। यार अपन वापस से कॉस्ट होल्ट लिया था हमने यहाँ पे, जैसे हमें खाने की ज़रूरत है इसे भी बहुत खाने की ज़रूरत है, और इससे कुछ ज़्यादा ही है, तो इसमें हमने रात डलाया था निकलने से पहले 2000 का, और अभी इसमें आया 3400 का, तो ये बस पिए जा रही है। और अभी तो हमारा रुद्रपुर भी यहाँ से अराउंड 92 किलोमीटर पड़ेगा रुद्रपुर, और अगर बात करूँ सिर्फ उसकी तो वहाँ से 50 किलोमीटर आगे फिर अपना नैनीताल है, तो मुझे नहीं लगता इसका इतने में कुछ होगा, 6,500-7,000 तक का अपना ये पड़ जाएगा इसका सिर्फ फ्यूल का, बाकी काफ़ी सेक्सी सा पेट्रोल पंप है यार, काफ़ी बड़ा, मतलब गाइज हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर,
और हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा रेस्ट लिया, डैडी और वो जो डैडी के फ्रेंड है गुड्डा, तो ये फंसी हुई, देखो ये रही यहाँ पे, ये रही। हेलो गाइस, गुड्डा का चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ भयंकर औरत है ये, देखो फैल रखी है जो गोवा समझ कर यहाँ पर, इसे गोवा समझ के हमने कर रखी अपनी चेहरे पीछे और हम यहाँ पे फैल गए, क्या बढ़ गया गाइस, हम तो अटक के रह गए यहाँ पर, अब हम कैसे फैले यहाँ पर। तेरे मुंह से सुंदर तो तेरे पैर लग रहे, अब बता। मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है, मेरी व्लॉग भी बना दो तब। ठीक है गाइस, तो ऐसा सीन है कि डैडी और डैडी के जो वो है ना दोस्त, वो लोग बाहर गए हैं चाय पीने, तो हम लोगों ने सोचा तो हम विश्राम कर लें। ठीक है, तो ये देखो मेरा छोटा पांडा कैसे विश्राम कर रहे हैं। हेलो गाइस, छोटे पांडा कैसा लग रहा है आपको इतनी लंबी ट्रिप मार के, हां कुछ शब्द क्यों नहीं आ रहे, कह नहीं पा रही कुछ कुछ। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हल्द्वानी, ये वाला एक होटल है अपना, यहाँ पे पापा लोगों की कोई मीटिंग है, तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा रूम ले रखा था यहाँ पे, तो हम लोग वहीं पे जाएंगे अपना जो भी फ्रेश व्रेश करना है, फिर यहाँ से नैनीताल के लिए निकल जाएंगे बाद में, तब तक पापा अपनी मीटिंग वगैरह निपटा लेंगे जो भी इनके सीन्स है। इतनी भयंकर पार्किंग है ना जहाँ हमें इस होटल की लगानी पड़ रही है भाई, इधर से दीवार है, इतनी सी जगह है, और इतनी मतलब क्या बताऊँ, इतनी भयंकर वाली ढाल है इसमें कि अगर मैंने ऐसे गाड़ी दिखा दी तो ऐसे तो किसी के समझ में भी नहीं आने की। अगर मैं ये देखो भाई कितना ऊंचा है, लाइट खुली जा सिम नहीं आ रही समझ में, मेरे भी नहीं आ रही है तो, पर ढाल से समझ में आ रहा हो कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है ये वो ढाल जिसकी मैं बात कर रहा था, इतना ज़्यादा भयंकर ढाल है, इतना ज़्यादा मतलब। कैसा लग रहा है तुम्हें, रिलैक्स अभी अभी थोड़ा थोड़ा चल के भाई, मैं फाइनली चल पा रहा हूँ, बट भाई 4-star होटल देख लो कैसा होता है ये इनका कुछ भयंकर सा, जो भी कुछ ज़्यादा ही भयंकर है गाइस। सुनो तो, बहुत सुनो हाँ, अरे यार तुमने हद कर दिया गाइस। चलो अब देखते हैं अपना रूम टूर भी करते हैं अभी अपना कैसा है, और अपना अपनी खुद का टूर भी करा देते हैं हम। ये रहा गाइस मेरा टूर, बुरी हालत भाई मेरा, इसका कवर देखो कितना प्यारा लग रहा है सर। ठीक है चलो यार, काफ़ी प्रीमियम ही होटल है, हाँ जहाँ देखो अपनी शक्ल देख सको ऐसे बाहर निकलते लाइक दिस। ओके यस, 205 गाइस, दिस इज आवर रूम। एक इधर डैडी वाला है, डैडी और उनका जो भी उनका मीटिंग वगैरह होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, एक अपना ये है, तो यहाँ पे ऐसा एक सुअर फैल रखा है यहाँ पे, इसको इग्नोर करना, और टीवी में भी ए मौसी नमस्ते डरा के मौसी को भी सो रहा हूँ। यहाँ पे भी मिरर है, यहाँ पे भी ऐसा है, और ये एक सेक्सी सी यहाँ से, ये जो अभी हम देख रहे थे यहाँ से बाहर का ऐसा पोर्च वोर्च, एक यहाँ पे कबर्ड है, आईसी का मेकअप है, सब है यहाँ पे। ठीक है, हटती है और ये इसका ऐसे वॉशरूम का रूम टूर, वॉशरूम का टूर है यहाँ पे, इनकी नहाने की जगह है, मैं तो सोच रहा हूँ एक बार नहा भी लूँ, है ना, बाकी ये इनका वॉशरूम। गाइस नहा के बाहर आते ही गरम गरम चाय, बस इसमें थोड़ी सी चीनी कम है तो मैं इसमें एक सैशे डाल लेता हूँ, लाओ तुम दोनों लटक जाओ मेरे बाजू। हाँ हाँ तेरा तो वेट ही कितना है, सुनाने का लगेगा भारी टाट गाइस देखा तुमने कैसे छपरी मेरे ऊपर लटक लटक के नाच रहे थे। कौन से डैडी? अच्छा आपके पति हम लोगों ने यहाँ पे 150-200 फोटोज खिंचा लिए हैं। ठीक है, स्पेशली इन औरत ने, ये ऐसे मत जाओ यार भाई। एक रील यहाँ चल रही है, एक सेकंड, एक और बार सुनांशा, एक सेकंड खोलना, मेरे को वॉशरूम जाना है जल्दी। एक यहाँ चल रही है गाइस, ये देखो, एक रील, दो रील, एक बाहर बग्गी इसका नले, पता नहीं कैसे बौखला से गए लोग, जैसे उन्होंने कभी शीशे लेने दो। यहाँ पे भी काम करने को मिल गया है, अब हमें फोटो स्टेट कराने जाना है इन सब चीज़ों का, तो अब मैं और मम्मा जा रहे हैं, और हम लोग वहीं से कुछ खाने पीने को भी लेके आएंगे। मम्मा ट्रीट दे रही है मम्मा ट्रीट दे रही हो ना, इस बात की हाँ तो कर दिया, हमें नहीं पता किस बात की है। गाइस हमने सुनजान शहर में खो चुके हैं, हमको एक फोटोकॉपी की दुकान नहीं मिल रही है, 10 मिनट हो गए हमें चलते चलते होटल से,
यहाँ पे मोबाइल वाला तो है, इसके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, बस लिखा हुआ है इनका रिपेयर रिपेयर का। और हमने सारे में घूम लिया है पर हमें एक शॉप नहीं मिल रही यहाँ पे जो हमारी ये फोटो कॉपी कर देती है सारी। 1.5 घंटा लगा है मुझे सिर्फ इतने करवाने में, मतलब ये जो है 78 कॉपीज हैं और इन 78 कॉपीज को करवाने में 1.5 घंटा लगा। और ये अपना होटल है जहाँ हमारा स्टे है, ठीक है। चलो यार फटाफट चल रहे हैं पापा को हैंड ओवर करके, फिर मैं और मम्मा जो है हम लोग बन टिक्की खाने जाएंगे इनको छोड़ के, और बन टिक्की खाते फिर हम लोग फटाफट अपना नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। मम्मा कैसा लगा आपको बर्गर? नहीं लगा ना? अच्छा मुझे भी नहीं लगा, मुझे भी लगा बाकी सब कुछ लाल से जो सॉस था वो बहुत बेकार था ना, अजीब सा। मीठी चटनी डाल देते या हरी चटनी तो वो ठीक हो जाता थोड़ा। मीठी चटनी तो बिल्कुल ना डालते, तो हरी डाल देते हाँ। वो पता नहीं क्या था वो, मतलब वो कुछ अजीब सा। और दूसरी बात ना, इनका जो तेल का टेस्ट था वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, है ना। हाँ मतलब टोटल के बोला जाए तो देहरादून और देहरादून में क्लेमेंटाउन। हाँ खाना बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, मजाक से और सस्ता और भी है। बर्गर बन टिक्की वहाँ के बहुत टेस्टी है। देहरादून का कंपैरेटिवली ना बेस्ट खाना लगा मेरे को अभी तक, और हर वैरायटी मिल जाती है, जो मर्जी खा लो। अब कितने लोग इसमें बोलेंगे कि हर जगह का खाना, मतलब देहरादून का खाना भी इतना अच्छा नहीं है हमारी जगह का, तो भाई देहरादून में स्पेसिफिक जगह है, जैसे आप यहाँ पे जाओ तो ये वाली चीज़ बेस्ट है, यहाँ पे जाओ तो ये वाली चीज़ बेस्ट है टाइप्स। बट इन सबसे हटके अंकल का नेचर अच्छा था, वो बहुत बातूनी और अच्छे अंकल थे। उन्होंने सब हमें खुद ही बता रहे थे, हमें यहाँ पे काठ गोदाम घूम सकते हो, बैराज है काठ गोदाम में मार्केट करके, बाकी कुछ खास नहीं। हाँ बट चलो हम लोग वापस होटल पे आ गए, अब बाकी हमारे जो 2-3 चेले हैं लोगों को हम बर्गर खिला के और फिर यहाँ से नैनीताल के लिए निकल रहे हैं वापस। अपना यहाँ से हमने चेकआउट कर लिया, नॉट एग्जैक्टली चेकआउट कर, हमें वापस 11 बजे यहीं आना है, हमारा चेकआउट कल का है। बस हम लोग आज के लिए यहाँ पे आए थे ऐसे चेंज वेंज करने पापा की मीटिंग, और वो रूम अभी भी बुकड है कल के लिए, क्योंकि कल भी इनकी दोबारा से मीटिंग है। हम लोग बेसिकली आए तो मीटिंग अटेंड करने थे, बट उसे हमने अपनी फैमिली ट्रिप कह सकते हैं जो उसमें कन्वर्ट कर लिया। और इसी के साथ मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है, और वो बहुत बुरी चीज़ इज़ कि जो मेरा अडोप्टर है ये आईफोन वाला, ये ख़राब हो गया है। और इसके बिना आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मेरी आगे की जर्नी कैसे जाने वाली है। फ़ोन जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा उसके बाद मैं सबकी शक्ल देखने वाला हूँ। बट चलो फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, उस चढ़ाई में गाड़ी को चढ़ा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे का। दिस इज इट, वी आर फाइनल बैक टू नैनीताल। अपना हमने झोटे को यहाँ पे पार्क कर दिया, ये भी बतेरा चल गया यार। बाकी अपने जो अपने सीन्स हैं वो ये हैं कि माल रोड पे आने के 110 रुपीज़ आपका गाड़ी का प्राइस, मतलब चार्ज है, 110 रुपये हमने वहाँ दिए हैं, और उसके अलावा पार्किंग में लगाने का 120 रुपये हैं, ठीक है। और बाकी हम लोगों ने मेन, मतलब मेन स्टेडियम वाली पार्किंग पे हमने गाड़ी लगा दी अपनी। और यहाँ से व्यू देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। अभी तो चलो ये वाला एरिया है, अभी इसकी बैक वाली साइड पे जाएंगे, उस साइड पे जहाँ पे अपना वो है जूम लैंड पे वहाँ जाके बैठेंगे और फिर देखते हैं आगे कैसे होगा। बाकी अपना मस्जिद है यहाँ पे, अगर साफ दिख रहा होगा तो यहाँ पे मस्जिद है, इस साइड पे अपना कोर्ट है नैनीताल का हाई कोर्ट, ठीक है, पता ही होगा हाई कोर्ट तो यहीं है अपना उत्तराखंड का। और ये है गुरुद्वारा, और यहाँ पे नैना देवी का मंदिर। मेन अपन जो आए थे, मतलब आए थे हम नैना देवी के मंदिर में ही दर्शन करने, क्योंकि वैसे तो पापा की मीटिंग वगैरह वाला जो सीन्स थे वो तो अलग ही थे, तो अभी ये सबको ठंडा लग रहा है, तो अभी हमने अपना सामान वामान यहीं रखे, बस हम दर्शन करने जा रहे हैं सीधा। हाँ भाई मम्मा, इज इट कोल्ड? टू मच कोल्ड डैडी तो एकदम डोनाल्ड डक बन गए हैं, पहले डैडी ने हुडी वाली कैप लगा रखी फिर अपनी कैप। सुनांशा इज इट कोल्ड? नो गाइस, ठंडा नहीं है? No, कितनी लेयर पहनी है जरा इतना बता दे। ओनली डबल लेयर, दिस वन एंड इसके अंदर। जैसे भी तुम तो जवान हो ना, तुम्हें तो फैशन आ रहा। गर्मी। और भाई मैंने सिर्फ ये लोई पहन रखी है और ये बहुत पतली सी है, इसके इससे कुछ नहीं रुक रहा मेरा, ठीक है। नैना देवी मंदिर के बाहर का सीन है, यहाँ पे ऐसी अपनी शॉप्स हैं, और इधर पे खाने की शॉप है, उधर सागी से भूटिया मार्केट है जहाँ पे नॉन वेज मोमोज और वैसे मोमोज मिलते हैं बहुत सेक्सी सेक्सी, पर हम खा नहीं सकते बिकॉज ऑफ मंदिर। हाँ, और शायद हमें कल सुबह भी आना पड़े तो इसलिए हम नहीं खा सकते हैं। ठंडे का ध्यान रखते हुए मैं ऐसा डोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉल पहना हुआ तो तुम लोग फिर वो देख सको। आया तो मैं बहुत फैशन में था, सिंगल शर्ट में, अब यहाँ टी शर्ट में, अब देखो हाफ स्लीव्स में से कैसा हो गया हूँ मैं।
बहुत मारूंगा। मंदिर तो अपना बंद हो चुका है, मतलब अभी सुबह 5:30 बजे खुलेगा, अब अपने को जब भी टाइम मिलेगा। बट लुक एट दिस व्यू कि भोले शंकर बाबा की जय। चलो फिर हम यहाँ से चल रहे हैं, मॉर्निंग में एक बार दोबारा आके देखेंगे। मॉर्निंग में अगर हमको दर्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, वैसे तो 100% ही है कि अपने को मॉर्निंग में तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी नहीं किया। मेन आने का रीज़न ये था, यहाँ पे मम्मा, बाकी और कोई नहीं है हमारे अलावा। चेहरा तो मुझे नहीं पता, वो जितनी सामग्री होगी। भैया सीवो कितनी गंदी औरत है, ये VC पे बात कर रही है जबकि हम इनको कह रहे थे कि आ जाओ, पर ये नहीं आई, बहुत बुरी है। बट नो प्रॉब्लम। हाय सीवो, आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। तो हमने सीवू को भी घुमा दिया, दर्शन करवा दिया। और अब सीन ये है कि अब मार्केट वार्केट घूमेंगे, अपना सामान हमने ना प्रसाद पहले ले लिया, क्योंकि सीन ये ऐसा है कि हम लोग यहाँ से 10 बजे सुबह निकल जाएंगे हर हाल में, 11 बजे पापा की मीटिंग है वापस हल्द्वानी, तो उससे पहले हमें हल्द्वानी पहुँचना ही है। तो 10 बजे यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग 9:30 बजे दर्शन कर लेंगे। और जो यहाँ का प्रसाद वाला स्टोर है वो खुलता ही 9:30 बजे है माता के मंदिर पे, और शाम तक माता ऐसे आरती के बाद ये लोग बंद कर देते हैं मंदिर। तो हमने अभी से प्रसाद ले लिया, इसको गाड़ी में रख देंगे संभाल के, और अपना सामान लेके हम लोग रूम पे चलेंगे। वो थोड़ा सा दूर है, जू रोड के पास है, अधिकारी भवन वाली रोड पे, ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे। बाकी स्टे अपना अभी भी वही है, वो जो हमारा गेस्ट हाउस है UPCL वाला, उसी में होता है अपना स्टे हर बार का, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और बीच में अभी मार्केट भी घूम लेंगे, डिनर भी अभी नहीं, डिनर हमारा रूम पे ही है उन्हीं भैया के पास, वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं, हमने हमारा लास्ट टाइम भी वहीं पे था तो वर्थ इट है उनका। और इस कलेक्ट करते करते हम एक और शॉप पे आ गए। रिचा, तेरा बर्थडे गिफ्ट। भाई साहब इतना ज़्यादा सही हो रहा है ना। और ये यहाँ पे कुछ अपनी साइकिल्स की मेमोरीज, इसमें भी हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई हैं। इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक ऐसे 300 समथिंग कुछ है, आपको लेना है कुछ ऐसा। बट बाकी अपन का क्या है उसके पार्ट। हेयर वी आर फाइनली टू आर स्टे, यहाँ पे और है अपना कुछ ऐसा, इतना प्यारा ताल का, पूरा ताल यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और एक बहुत भयंकर चीज़ दिखा दूँ अगर यश को याद हुआ तो। यश याद है वाली चीज़, ये वाली। यश ने इतना जोर से सर दे के मारा था इसमें अपना, और सुनांशा ने भी मारा था, तेरी नहीं बता रहा मैं, यश की बता रहा, यश ने भी इसमें सर दे के मारा था, उसने तो बहुत भयंकर उसकी नाक की हड्डी टूट रखी थी। कैसे हो भैया, कैसे हो, ठीक हो भाई? कबूतरो खाना खाने हैं, चुप रहो, राइस बने हुए ब्रो। चलो भाई अपना खाना वाना भी लग चुका है, एक बार खाना खाने चल रहा, सुबह दिखाएंगे यहाँ का व्यू कितना सही है। तो गाइज हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करें, ठीक है, मेरे को भी कर दें और इसके पे को भी कर दें, सबके पे कर दें, सस्ता ब्लॉगर करके वैसे तो आ नहीं रहा है पर कर दो ना, ठीक है। बाकी गुड नाइट, कल मिलते हैं अच्छे से दर्शन के साथ, जो भी होगा देख लेंगे। टाटा, गुड नाइट।